लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया था। एक अच्छा सा लेवल हम लोगों ने डिजाइन कर लिया, उसमें स्प्राइट्स ऐड कर दिया। स्प्राइट्स ऐड करने के बाद उसमें कुछ कुछ एनिमेशन भी छोटे मोटे हम लोगों ने अब तक ऐड करना सीख लिया है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, जिसका नाम है प्रीफैब्स। यूनिटी में प्रीफैब्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, गेम ऑब्जेक्ट को, और उसको अपने सीन में यूज़ करते हैं, तो बेसिकली आप उस सेटिंग को बार बार यूज़ करना चाहते हैं, उस गेम ऑब्जेक्ट के सेटिंग को, प्रॉपर्टीज़ को बार बार यूज़ करना चाहते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है बार बार एक ही चीज़ करने में। इसीलिए उस गेम ऑब्जेक्ट को बार बार यूज़ किया जा सके, इसलिए प्रीफैब्स का सेटिंग आया। तो बेसिकली व्हाट आर प्रीफैब्स? प्रीफैब्स आर गेम ऑब्जेक्ट्स विच वी हैव टर्न्ड इनटू रीयूजेबल टेम्पलेट्स बेसिकली। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रीफैब्स के बारे में। द ओरिजिनल टेम्पलेट इज कॉल्ड द प्रीफैब, ओके, एंड द कॉपीज वी ऐड इनटू आवर सीन आर कॉल्ड इंस्टेंसेस। तो इस वीडियो में प्रीफैब्स और इंस्टेंसेस दोनों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पर 2D ऑब्जेक्ट में कोई भी स्प्राइट्स ऐड करना है, कर लेना है। लेट्स से सर्कल मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे आप सर्कल ऐड करते हैं तो ये जो हम लोगों ने क्रिएट किया ये स्प्राइट्स बेसिकली, अब इसी में हम लोग प्रीफैब्स क्रिएट करना सीखेंगे और इंस्टेंसेस के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका कुछ कलर चेंज कर लेता हूं और इसके बहुत सारे कंट्रोल डी करके डुप्लीकेशन मैं कर लेता हूं। 3 मैंने डुप्लीकेशन किए हैं, तो ये 4 हम लोगों के पास आ चुके हैं। मैं क्या करता हूं, इसको सेलेक्ट करके इसके अंदर भेज देता हूं, ठीक है। यानी कि ये पेरेंट हो गया और इसके बाकी 3 जो है वो चाइल्ड हो गए, ठीक है। जो ओरिजिनल है उसके कलर मैं चेंज कर देता हूं। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां पे ड्रैग कर देता हूं। मैं जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को ड्रैग किया अपने एसेट विंडो में, तो आप देख सकते हैं इसका जो आइकन है वो चेंज हो गया है, जो ये डिनोट कर रहा है कि अब ये प्रीफैब बन चुका है। यदि मैं इस पे राइट क्लिक करता हूं और यहां पर शो इन एक्सप्लोरर पर मैं क्लिक करता हूं, तो आप देख सकते हैं यहां पर आप circle.prefab के नाम से एक फाइल हमारा क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीका से आप समझ सकते हैं कि आपने एक प्रीफैब क्रिएट कर लिया है। अब आप इस प्रीफैब को मल्टीपल टाइम्स क्रिएट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से यहाँ पर गया तो देख सकते हैं कि सेम जो प्रीफैब है उसके एक डबल इंस्टेंसेस क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। यदि आप किसी पर्टिकुलर सर्कल को उठा करके यहाँ पर रख देते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है चिल्ड्रन ऑफ अ प्रीफैब इंस्टेंस कैन नॉट बी मूव्ड एंड कंपोनेंट्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। मतलब कि जो चिल्ड्रन है, आप लोगों ने इसका यूज चिल्ड्रन की तरह किया है, इसका यूज इसीलिए प्रीफैब की तरह यूज नहीं किया जा सकता है। लेट सपोज मैं क्या करता हूं, ये जो सर्कल है मैं अब इसको यहाँ पर रख देता हूँ, तो आप देख सकते हैं लिखा है वुड यू लाइक टू क्रिएट अ न्यू ओरिजिनल प्रीफैब और अ वेरिएंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्रीफैब सर्कल 1। तो एक्चुअली में हो रहा है क्या, इसके अंदर हम लोगों ने प्रीफैब यूज़ किया सर्कल 1 का, और वापस मैं इसको एक नए प्रीफैब के तौर पर यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए ये एरर आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको बेसिकली डिलीट कर सकते हैं, मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूं। तो देख सकते हैं हमारे इंस्टेंसेस भी डिलीट हो चुके हैं। यानी यदि आप किसी हायरार्की को यहां पर रख देते हैं एसेट विंडो में, तो प्रीफैब कहलाता है, और जब प्रीफैब को आप ये सीन विंडो में डाल देते हैं तो इंस्टेंसेस कहलाता है। तो ये चीजें आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। इसी भी इंस्टेंस पर मैं क्लिक करता हूं, जैसे मैं इसको उठाया, और ये तो बेसिकली आप जानते ही हैं किस तरीका से प्रीफैब क्रिएट होता है, और इस तरीका से इसको उठा करके मैं यदि यहां पर रखता हूं तो इस तरीका से इंस्टेंस क्रिएट होता है, ठीक है। मैं इस पर यदि डबल क्लिक करता हूं प्रीफैब के ऊपर, तो
तो आप देख सकते हैं आप प्रीफैब को सेपरेटली एडिट कर सकते हैं यहाँ पर। इसके लेट से मैं कलर को चेंज कर देता हूँ, जैसे मैंने ये कलर चूज किया, वापस मैं बैक गया तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास दो ऐसे कलर चेंज हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, बेसिकली जितने भी ये सब सारी चीजें हैं मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, एक सिंगल प्रीफैब रखता हूँ। ठीक है, मैं इन सारी चीजों को डिलीट कर दिया और एक सिंगल प्रीफैब रखा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसके इंस्टेंसेस क्रिएट करता हूँ। जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, ये प्रीफैब को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, और अब ये जो ओरिजिनल सर्कल है मैं इसके इंस्टेंस यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। और फिर ये सब जितने भी सर्कल अब मैं इस एसेट विंडो से यहाँ पर रखूंगा, वो सारे के सारे प्रीफैब कहलाएंगे। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, इसमें से किसी भी प्रीफैब के कलर को मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसमें से किसी भी प्रीफैब के कलर को मैं चेंज कर दिया। यहाँ ओवरराइड्स में जाने के बाद अप्लाई ऑल पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं सारे के सारे प्रीफैब्स जितने भी इंस्टेंसेस थे उनका कलर सेम हो चुका है। यदि मैं किसी एक प्रीफैब का साइज छोटा बड़ा भी कर देता हूँ, लेट से मैं ऐसा बाकी प्रीफैब से, बाकी इंस्टेंसेस से एक इंस्टेंस के मैंने साइज बड़े कर दिए हैं, तो अब मैं ओवरराइड पर जाता हूँ, अप्लाई और ऑल पर क्लिक करता हूँ, तो देख सकते हैं सभी के साइज जो है वो सेम हो चुके हैं। तो मतलब आप समझ सकते हैं ये कितना इम्पॉर्टेंट स्टेप हो जाता है जब आप मल्टीपल चीज़ें अपने गेम पर, और ऐसा होता ही है कि जब आप गेम डेवलप करते हैं तो आपको मल्टीपल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और सभी को सिमिलर चेंज देना होता है, सभी को सिमिलर प्रॉपर्टीज देनी होती है। तो यहाँ पर प्रीफैब्स और इंस्टेंसेस का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आप यहाँ पर डबल क्लिक करते जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आप बेसिकली अपने एक सिंगल प्रीफैब को एडिट कर सकते हैं जितने भी इंस्टेंसेस हैं फोकस मोड में रह करके। जैसे यहाँ पर यदि मैं क्लिक करता हूँ और इसके कलर चेंज कर देता हूँ, फिर पीछे जाता हूँ मैं, तो देख सकते हैं सारे के सारे कलर जो है वो चेंज हो चुके हैं। यानी कि किसी एक चीज़ों को अगेन मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, किसी एक चीज़ों को एडिट करके आप फोकस मोड में रह करके सभी चीज़ों को वैसा प्रॉपर्टीज़ एक बार में प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं इसके साइज को कुछ ऐसा ओवल दे दिया। ठीक है, अब मैं यदि बैक जाता हूं तो देख सकते सारे के सारे स्प्राइट्स सेम साइज के हो चुके हैं। तो उम्मीद है आपको ये प्रीफैब और इंस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। आपने देखा कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट को चेंज करने से, एक इंस्टेंस को चेंज करने से सारे के सारे इंस्टेंसेस में चेंजेस आ रहे हैं। क्या हो यदि मैं इस इंस्टेंस को चेंज करना चाहता हूँ और बाकी सारे के सारे चीज़ें ऐसे ही रखना चाहता हूँ, या उसको किसी और कलर से मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप उस इंस्टेंस पर क्लिक करके इसको एक नया सेपरेट रंग दे दीजिए। जैसे मैं ये रंग दे देता हूँ, ठीक है, और बाकी इंस्टेंस को यदि आप को चेंजेस करना है तो आप प्रीफैब्स पर क्लिक करके उसको अलग रंग दे सकते हैं। तो इस तरीका से आप एक इंस्टेंस को बाकी इंस्टेंसेस से अलग प्रॉपर्टीज भी दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस छोटी सी वीडियो में इंस्टेंसेस और प्रीफैब्स का कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपका कोई भी डाउट है या सुझाव है तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, मैं आपके कमेंट को जवाब देना जरूर प्रेफर करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड इस वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप नए हैं, जाहिर बात है नए ही होंगे, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।